हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू सीक्रेट आस्था। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैंने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसमें कि डेली आपको अपडेट करूँगी छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज, पॉजिटिव कोट्स और ढेर सारी चीज़ें। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अक्टूबर सेल्फ लव सीरीज से भरा हुआ है, तो आज सेल्फ लव के लिए आपको एक ऐसा बेहतरीन मंत्र देने वाली हूँ जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर देगा। आपके अंदर का जो डर है, जो अननेसेसरी आप डाउट करते हो खुद के ऊपर, वो सारी चीज़ें आप इस चीज़ को रिलीज़ कर पाओगे। आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, अगर आपको कभी कभी लगता है कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, मेरी विश फुलफ़िल नहीं हो रही है, आप प्रॉपरली सेल्फ लव करना चाहते हो, तो आज बेहतरीन आपको एक बहुत ही अच्छा मंत्र आपको मैं बताने वाली हूँ। मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के आखिरी में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि इस मंत्र को कैसे यूज़ करना है और कितने टाइम तक यूज़ करना है और कैसे इस मंत्र को यूज़ करके आपकी लाइफ आप चेंज कर सकते हो। सेल्फ लव के साथ साथ यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। सो कॉमेंट में सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आप लोग सेल्फ लव को किस तरीके से डिफाइन करते हो, आप लोगों के लिए सेल्फ लव क्या है, उसको आप दो तीन पॉइंट में बता सकते हो। सेल्फ लव के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आप कैसे टास्क कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताना। सो आज जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बेहतरीन पावरफुल मंत्र, शिव मंत्र के बारे में आज अपन बात करेंगे। कौन कौन शिव जी का भक्त है, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख के जाना। तो आज उसी से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस मंत्र की चैंटिंग मैं रीसेंट करना स्टार्ट कर दी हूँ और मुझे चेंजेस दिखने स्टार्ट हो गए हैं। जब मैं ऐसी बात करती हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट डे ही उनकी विश पूरी हो जाएगी, कोई मेजर विश पूरी हो जाएगी। विशेस नेक्स्ट डे पूरी नहीं होती हैं, विशेस को पूरी होने में टाइम लगता है, एक डिवाइन टाइमिंग अपना रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप ये चैंटिंग करोगे तो आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस नज़र आने लगेंगे। तो वो मंत्र है महामृत्युंजय जाप। जी हाँ, आप सब इस मंत्र को सुन चुके होंगे, महामृत्युंजय जाप। ये मंत्र आपको अंदर को डर को निकाल देता है, आपके जो ट्रॉमा हैं, जो आप अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हो, आपको जितने लोगों ने भी हर्ट किया है, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन अगर आपका होता है, आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, आपको ये सारी चीज़ों से ये मंत्र आपको रिलीज़ कर देता है। आप ईजिली एक हैप्पी मोड में चले जाते हो। इस मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो। मेक श्योर वीडियो को एंड तक सुनो, क्योंकि एंड में आपके साथ मैं यही शेयर करूंगी कि इस मंत्र की चैंटिंग कब करनी है, कितनी बार करनी है और कब करने से ये मंत्र इफ़ेक्टिव तरीके से आपके लिए काम करने लगता है। आप सब लोगों को पता है कि शिव जी कितने ज़्यादा भोले हैं और वो आपकी हर एक विश पूरी करने के लिए तैयार हैं। बस आपको उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगेगा और आपकी सारी विशेस पूरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ अगर अपन बात कर रहे हैं सेल्फ लव की, तो यहाँ विशेस से थोड़ा अपना समय या अपनी नज़र हटा के अपन को पहले खुद को उसके लायक करना होगा। खुद के अंदर का डर, डाउट, नेगेटिव सेल्फ टॉक, आप सफिशियंट नहीं हो, आप इनफ नहीं हो, ये वाली थॉट प्रोसेस से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये कौन सा मंत्र कर सकता है, महामृत्युंजय जाप। आप इससे अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, अपनी स्किन को शाइन कर सकते हो, अपने बालों को अच्छा कर सकते हो। ये आपके सेल्फ लव जर्नी का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब बात करते हैं इस मंत्र की चैंटिंग कब करनी है। अगर आप मेडिटेशन करते हो या फिर अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हो, तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले 11 बार आप इस मंत्र की चैंटिंग करिए। कोई ऑडियो लगा के नहीं, यूट्यूब का वीडियो अपने फ़ोन में लगा के नहीं, आपको ये बकायदा बोलना है। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् कुर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षेममान्तः। इस तरीके से आपको 11 टाइम इस मंत्र की डेली चैंटिंग करनी होगी। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हो, तो आपको एक रूटीन से स्टिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यकीन मानो, सिर्फ
और सिर्फ 7 दिन का चैलेंज दो और ये मंत्र आपके लिए जादू करने लगेगा। So yeah, that's it for today's video. See you soon. Until next time, God bless you.